हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लिविंग विद मैं। आज की वीडियो में आई शेयर माय नेट स्ट्रैटेजी फॉर यू, बिकॉज बहुत सारे एस्पिरेंट्स एक्चुअली मेरी वीडियोस के नीचे कमेंट कर रहे थे कि नेट क्वालिफाई करने के लिए आप बता दें क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। एंड मोस्ट ऑफ़ यू नो दैट आई क्वालिफाइड माई नेट एग्जाम माई फर्स्ट अटैम्प्ट ड्यूरिंग माई मास्टर्स डिग्री। सो जब मैं मास्टर्स ही कर रही थी उसी टाइम मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था अपने नेट के एग्जाम का एंड उसी टाइम क्वालिफाई किया था। उसके बाद से आई बीन लुकिंग फॉर JRF एंड ईच टाइम आई बीन एबल टू क्वालिफाई नेट। सो नेट एक एक्चुअली ऐसा लेवल हो चुका है जो कि मैं क्वालिफाई कर पा रही हूँ एंड नाउ आई हैव गॉट द की कि कैसे उसे क्रैक किया जा सकता है। सो ओके, इन दिस वीडियो आई शेयर कि क्या आपकी स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, क्या मैंने सीखा है इतने अटेम्प्ट से एंड ऑल दीज स्टेप्स विल हेल्प यू टू क्रैक योर UGC नेट एग्जाम फॉर श्योर। सो मेक श्योर कि आप लास्ट तक वीडियो देखें एंड अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। सो या लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। ओके, सो स्टार्टिंग फ्रॉम, आपको पहले अपने सब्जेक्ट का सिलेबस अच्छे से पता होना चाहिए एंड आई हाईली सजेस्ट कि आप एक बार में जो आपका सब्जेक्ट है उसकी हार्ड कॉपी निकाल दें, ठीक है, कि मतलब क्या सिलेबस है, क्या क्या टॉपिक्स हैं। बिकॉज येस, ऐसा होता है कि सिलेबस से बाहर भी कभी कभी कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, बट 70 or 75% ऑफ एग्ज़ाम पूरा आपका सिलेबस से आता है। दिस इज़ व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम माय लास्ट फ्यू अटेम्प्ट्स कि सिलेबस से आता है और इतना आता है कि अपन नेट तो क्वालिफाई हो ही जाएगा। बट येस, टू क्वालिफाई JRF आपको थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होगी, बट नेट आपका क्वालिफाई हो जाएगा अगर आप सिलेबस भी कवर कर लेते हैं तो। बट सिलेबस कवर करना इज़ ऑल्सो अ वेरी बिग टास्क बिकॉज पेपर वन अलग है, पेपर टू अलग है। तो आपको पेपर टू का सिलेबस समझना है, फिर आपको पेपर वन का सिलेबस भी समझना है। ओके, सो पहले सिलेबस को समझो ताकि आपकी जो जर्नी है वो ईजी हो जाए। सो मेक श्योर यू डू दैट फर्स्ट। एंड सो टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट थिंग इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। मतलब ये मैंने अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में किया था, मैंने एक्चुअली PYQs पे ही बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था। सो मेक श्योर कि आप अपने पेपर वन के PYQs देखें और आपका जो भी सब्जेक्ट है, बेट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मास कम्युनिकेशन, इंग्लिश, जो भी सब्जेक्ट है आपका उसके PYQs देखो। एंड लास्ट 5 years पे ज़्यादा फोकस करना, बट येस, लास्ट 10 साल तक के आप PYQs देख सकते हैं सो दैट यू गेट अ पैटर्न। अब देखो सिलेबस है, ठीक है, बट सिलेबस बहुत ही वास्ट है। अब कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड दैट इज़ समथिंग वेरी ट्रू। कुछ ऐसे एरियाज़ होंगे जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे, सो मेक श्योर जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेंगे ना तो यू विल गेट टू नो कि अच्छा ये वाला सेक्शन वो है जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड जब आपको पता चल जाएगा यू विल बी एबल टू फोकस ऑन दोज टॉपिक्स ओनली। तो आप उन सारे टॉपिक्स पे ही फोकस करेंगे और आपको पता चल जाएगा कि ठीक है इस पे मुझे तो थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है। बट येस, आपको सिलेबस स्किप नहीं करना है, पढ़ना आपको सब है बस, बट येस आपको ज़्यादा जो यू नो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन पर ज़्यादा ध्यान देना है। सो मेक श्योर कि आप वो करें, इसीलिए PYQs बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट से 5 साल और 10 साल, 10 साल देखो बट 5 साल वालों पे नोटिस करो कि क्या पैटर्न है, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं एंड यू विल एक्चुअली फाइंड अ पैटर्न। एक सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड वेन एवर यू विल गेट इट तो आपको समझ में आ जाएगा कि ठीक है इन चीज़ों पर मुझे ध्यान देना है और आप अपने नेक्स्ट अटैम्प्ट में देखेंगे कि उस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मेक श्योर कि आप PYQs को स्किप ना करें। नेक्स्ट वुड बी द कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। सो एज आई ऑलवेज से कि क्वेश्चन कभी ऐसे रिपीट नहीं होता है, रिपीट होता है कॉन्सेप्ट। सो मेक श्योर कि आपको ये पता हो, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैंने PYQs पढ़ लिए हैं तो अब यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। वेरी रेयरली कि क्वेश्चन भी काइंड ऑफ सेम थोड़ा घुमा के रिपीट किए गए, बट कॉन्सेप्ट रिपीट होता है। सो कॉन्सेप्ट रिपीट होता है, इसलिए ध्यान दो कि आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इसीलिए इंपॉर्टेंट है। नाउ व्हेन यू नो कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो उन टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना इंपॉर्टेंट है, बेट पेपर वन और पेपर टू। पेपर टू में कुछ ऐसे टॉपिक होंगे जहाँ से क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है, तो उनके कॉन्सेप्ट को देख लो, उनकी हिस्ट्री देख लो, उनके अलग पार्ट्स देख लो, अगर डेट्स पूछा है तो कौन ऑथर था वो देख लो, मतलब उसके अराउंड जो भी हो रहा है उनको देख लो, ठीक है, दैट इज़ अ कॉन्सेप्ट। तो आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी उसको डेप्थ में पढ़ने की जरूरत है बिकॉज क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, एज ऐसा ऑलवेज से कॉन्सेप्ट रिपीट होगा। कॉन्सेप्ट की अगर क्लैरिटी होगी तो आप लोग एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। नेक्स्ट इज टू नो योर स्ट्रॉन्ग एंड वीक एरियाज। नो हर एक एग्जाम में हर एक जगह पे आपका कुछ स्ट्रॉन्ग एरिया होता है, आपका कुछ वीक एरिया होता है। ओके, सो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट, जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये चीज़ मेरे लिए बहुत ईजी है, ये यूनिट्स मुझे बहुत ईजी लग रही है, ये मुझे अच्छे से समझ में आ रही है, तो दोज आर योर स्ट्रॉन्ग एरियाज। और वीक एरियाज कौन से हो गए, जिसमें आप थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, क्वेश्चन जब आप अटेम्प्ट कर रहे हैं आप नहीं कर पा रहे हैं, तो वो आपके वीक एरियाज हैं। तो वीक एरियाज और स्ट्रॉन्ग एरियाज को पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप अपने वीक एरियाज पे थोड़ा काम कर सके, स्ट्रॉन्ग एरियाज को और अच्छे से पॉलिश कर सके।
तो ये जब आप अपनी प्रिपरेशन जर्नी पे होंगे तो आपको समझ में आएगा कि ठीक है, अगर पेपर वन है देयर विल बी फ्यू यूनिट्स जो आपको समझ में आ रही होंगी, जिनका आपको बिल्कुल क्लियर आइडिया होगा कि ठीक है ये तो मैं कर लूँगी, इसे कोई भी क्वेश्चन आएगा आई विल अटेम्प्ट बिकॉज ये मेरा इतना स्ट्रॉन्ग है। और कुछ वीक ऐसा होगा जैसे कि डेटा इंटरप्रिटेशन अगर मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स का थोड़ा सा वीक होता है तो उनको लगता है वो दे आर ऑलवेज हेजिटेंट टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन कि पता नहीं सही होगा नहीं होगा, बट आपको उन पर काम करना है। बट स्ट्रॉन्ग को मैं हमेशा से कहती हूँ टू क्रैक योर नेट एग्जाम, स्ट्रॉन्ग को पॉलिश करना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रॉन्ग को ऐसे इतना उन सारे सेक्शन को इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ कि कोई भी क्वेश्चन पूछे आप उसे सही करके आए। ठीक है, तुमने स्ट्रॉन्ग एरियाज और वीक एरियाज को डिफाइन करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज टू प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस कैसे करोगे, मॉक टेस्ट लगाओ, क्वेश्चंस देखते रहो। सो यूट्यूब में बहुत सारे मैराथन्स होते हैं और हर एक अलग अलग चैनल जब भी एग्जाम आ रहा होता है उससे पहले मैराथन्स कराते हैं। तो जब आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपके अंदर आ गई है, आपने जब स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट अपने देख लिए, तो अब आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, वो कॉन्टिन्यूस क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है कि उनको लिखते रहो, प्रैक्टिस पे लेके आते रहो क्वेश्चन जो भी, ताकि आपको पता चले कि किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। अब वो क्वेश्चन और मॉक टेस्ट में ये होता है कि आपको क्वेश्चन का आइडिया आता है, नाउ व्हेन यू नो द कॉन्सेप्ट, उस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन कैसे बनेंगे ये जानने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी है, मॉक टेस्ट देने हैं, क्वेश्चंस लगाने हैं, यूट्यूब मैराथन्स हो गया, कुछ पेड कोर्सेज के थ्रू या पेड मॉक टेस्ट के थ्रू भी ये चीज़ कर सकते हैं। एंड इट्स वर्थ स्पेंडिंग मनी ऑन एजुकेशन, तो उसमें नहीं आपको हेजिटेंट होना है। ठीक है, मॉक टेस्ट खरीद सकते हो और आप लोग ऑनलाइन में से मैराथन्स बहुत इनफ होती है, सारे ही मैराथन्स कर लोगे, इट्स मोर देन इनफ। हर एक चैनल अलग अलग मैराथन्स निकालता है, गो एंड चेक इट आउट। ठीक है, उनको अटेम्प्ट करना स्टार्ट करो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड आई बिलीव द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वुड बी द रिविजन पार्ट। रिविजन बच्चे एक्चुअली से बहुत लाइटली लेते हैं, बट वट आई हैव एक्सपीरियंस इज रिविजन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नाउ टेलिंग यू कि रिविजन में रिविजन इतना बड़ा रोल क्यों प्ले करता है, इज बिकॉज वी हैव अ वेरी वास्ट सिलेबस, बिकॉज पेपर वन भी काफ़ी वास्ट है। ठीक है, अब तो क्वेश्चन बहुत ही अलग अलग सेक्शन से आने लगे हैं, तो बहुत ज़्यादा डेप्थ में पढ़ना पड़ता है। क्वेश्चन पेपर वन बहुत वास्ट है, नाउ पेपर टू आपका जो भी सब्जेक्ट होगा वो भी बहुत वास्ट ही होगा। मेरा है जैसे मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म, बहुत सारे टैब मतलब मैंने अभी तक जितने एग्जाम्स दिए आई हैव नोटिस कि क्वेश्चंस कहीं भी किसी भी सेक्शन से आ जा रहे हैं, तो इतना वास्ट है कि मुझे मतलब मैं कितना भी पढ़ लूँ देयर विल बी अ पॉइंट ऑफ टाइम वेर आई विल फील कि यार मुझे ये पढ़ा था, मैंने नहीं पढ़ा था, मुझे याद नहीं है। सो वो याद नहीं है वो कैसे जाएगा, इट विल ओनली गो विथ रिविजन। तो प्रॉपर रिविजन आपका ज़रूरी है, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है कि आपने 4-5 महीने पढ़ा एंड पढ़ने के बाद जब एग्ज़ाम आया आपको याद ही नहीं आ रहा है कि अरे मतलब मैंने ये पढ़ा था, मुझे पता नहीं है कि सही क्या है। ठीक है, तो रिवीजन वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, बिकॉज आपका वहाँ पे श्योर होना कि यही सही है बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ अगर कोई ऐसा एस्पिरेंट है जिसने पहले एग्ज़ाम दे रखा है, उसको ये पता होगा कि क्वेश्चन बहुत कन्फ्यूजिंग आते हैं, वो आपसे कभी पूछ लेंगे कि मतलब डेट्स आ गई या फिर ऑथर्स का नाम आ गए या मॉडल्स आ गए, तो वो इतने कन्फ्यूजिंग होते हैं कि आपका एक्चुअली आपको अगर आप लास्ट में जाके दो ऑप्शन में ही फंस गए हैं ना, तो उसके बाद भी आपको ऐसा लगेगा कि मतलब आपको पता नहीं है, दाव वहाँ पे आपका स्मार्ट गेस आता है। ठीक है, बट आपको श्योर होना पड़ेगा कि ये मेरा आंसर सही है, एंड फॉर दैट श्योरिटी ओनली रिविजन विल वर्क। जब आप रिवाइज करेंगे आप श्योर होंगे कि ठीक है मतलब ये मुझे पता है, अगर ये डेट है तो यही डेट है, ये मॉडल है तो यही मॉडल है, ठीक है इसने ये बात कही थी तो इसी ने बात कही थी, आई एम नॉट कन्फ्यूज, तो वो चीज़ आपको सिर्फ रिविजन देगा। सो जब आपके सारे पार्ट्स हो गए हो, मॉक टेस्ट हो गए हो, लास्ट के एक मंथ में ट्राई करो कि सिर्फ रिवीजन करो, जो भी पढ़ा है बस उसे पढ़ो, फोकस के साथ पढ़ो, और इर्द गिर्द देखने की ज़रूरत नहीं है, बहुत एक्स्ट्रा मत पढ़ना। ठीक है, और लास्ट टाइम प्रिपरेशन में हमेशा से कहते आई हूँ, पहले आपको अपने स्टार्टिंग मंथ्स हैं आपकी प्रिपरेशन के, तो आपको सब कॉन्सेप्ट पे काम करना है, जितना ज़्यादा पढ़ सको उतना पढ़ो, पर जैसे जैसे एग्जाम क्लोज आता रहे मेक श्योर कि आप सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर ध्यान दें जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, अब आपके क्वेश्चन में जैसे मैं हमेशा से कहती आई हूँ, एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, एक चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं होती है, कुछ टॉपिक्स होंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे और जो हमेशा से NTA पूछ रहा है, जो हमेशा से UGC पूछ रहा है, बार बार रिपीटेटिव है। ठीक है, तो वो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए कि वो तो पूछे जाएंगे, आपको पता ही है कि ये तो इंपॉर्टेंट है ही, ये तो मुझे पता है कि इस एरिया से कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा, तो मेक श्योर कि आप उसको रिवाइज करें, उसको बहुत ही इन डेप्थ पढ़ें। और कुछ ऐसे वीक होते हैं कि जिसमें हम देखते हैं कि ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं पर इतने ज़्यादा नहीं, ओके सो आपको क्या पता क्वेश्चन आपके लेकिन पेपर में आ जाए वो, तो इसलिए आपको पता होना आपका इंपॉर्टेंट है, बट वो सिंस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप रिवीजन में उसको स्किप कर सकते हैं इफ़ यू वांट। ओके, तो रिवीजन में जो आपके हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं, जो हाईलाइटेड टॉपिक्स हैं, जो रिपीटेटिव टॉपिक्स हैं जो क्वेश्चन में आते हैं, मेक श्योर कि आप उनको पक्का पढ़ें।
नाउ टेलिंग यू अबाउट दैट वन स्ट्रैटेजी कि आप कैसे थोड़ा सा क्रैक करें. बट आई हैव नोटिस कि आप कितना भी पढ़ें हमेशा आपको कुछ ना कुछ लगेगा कि ये मिसिंग था. अब स्मार्ट गेस एक चीज़ होती है जो कि इस एग्ज़ाम में एक्चुअली काफ़ी काम करती है. नाउ द स्मार्ट गेस इज कि सी जब हम बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं ठीक है, हमें एक मतलब नेचुरली मुझे लगता है नॉलेज आ जाता है उस सब्जेक्ट का, उस कॉन्सेप्ट का. तो आपके पास अगर कोई वैसा क्वेश्चन आता भी है जिस पे आपको ऐसा लगता है कि आई एम नॉट श्योर कि यही है या ये नहीं है, तो आप एक स्मार्ट गेस लगा पाएंगे विद योर नॉलेज. एंड आई डोंट नो वेयर इट कम्स फ्रॉम, मे बी इट्स बिकॉज आप इतना ज़्यादा पढ़ चुके होते हैं कि आपको पता होता है कि मतलब ये नहीं हो सकता है. मतलब आप वो एलिमिनेशन वाला चीज़ रिपीट करते हैं. एलिमिनेशन इज मतलब आप रिमूव, आपके चार ऑप्शंस हैं, चार में से पहले एक एलिमिनेट करेंगे, दूसरा एलिमिनेट करेंगे, तीसरा एलिमिनेट करेंगे एंड आपको फोर्थ, शायद आप श्योर नहीं है कि ये सही है बट आपको ये पता है कि ये तीन तो नहीं है. ओके सो अगर आपको ये भी पता है कि ये तीन नहीं है तो भी आपके पास सही आंसर है. ठीक है, वो आपका जो स्मार्ट गेस है, आप जितना ज़्यादा जब नॉलेज गेन कर लेंगे ना, आप उस स्मार्ट गेस में उतने अच्छे हो जाएंगे और उस स्मार्ट गेस के थ्रू आपका एग्ज़ाम क्रैक हो सकता है. एंड एक्चुअली आई हैव सीन दैट टू बिकॉज आप अभी रिसेंट रिजल्ट देख रहे होंगे तो आपने नोटिस करा होगा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे बोल रहे होते हैं, मतलब कई बहुत सारे एस्पिरेंट्स का एक्चुअली 2 महीने में नेट जारफ हो जाता है, कईयों का बहुत टाइम से नहीं हो रहा है. सो इसमें मतलब एक मुझे लगता है थोड़ा सा पहले नॉलेज का एक तो आपके पास होना बहुत ज़रूरी है. कई सारे बच्चों का बैचलर्स मास्टर्स ही में होता है, अकेडमिक्स में बहुत अच्छे होते हैं, उनके लिए चीज़ें काफ़ी ईजी होती हैं. बट आपको खुद को इवैल्यूएट करना होगा, आपको खुद के बारे में ये जानना होगा कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं, आप क्या इस पेपर में स्ट्रॉन्ग है नहीं, आपको कितनी मेहनत की ज़रूरत है. ये भी इसी चीज़ से डिसाइड होगा कि आप कितना अच्छा स्मार्ट गेस लगा पा रहे हैं. ओके सो मतलब और एक और चीज़ कि अपने आपको किसी से कंपेयर मत करना. यहाँ पे आप देख रहे होंगे बहुत सारे रिजल्ट आपको जब पे लग रहा होगा कि 2 महीने में क्रैक कर लिया, फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया. ठीक है, एवरीबडी हैज़ अ वेरी डिफरेंट जर्नी, एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट एनवायरनमेंट, एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट बैकग्राउंड एंड ये सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस करते हैं आपके रिजल्ट को. सो डोंट बी डिसहार्टन, हर कोई नेट के एग्जाम को क्रैक कर सकता है. मैंने बहुत बार कर लिया है, सो नाउ आई नो कि ये चीज़ पॉसिबल है, नेट पॉसिबल है, हो जाएगा. यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, यू हैव टू बी डेडिकेटेड. ठीक है, बाकी इन सब स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो करो तो आपका हो जाएगा. सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एंड आई रियली होप दैट दिस वाज हेल्पफुल. आई जस्ट वांटेड टू लेट यू नो कि मतलब ठीक है, दिस वाज माय नेट स्ट्रैटेजी एंड मैंने बहुत सारी प्रीवियस मतलब मैंने बहुत सारी पहले भी ऐसी वीडियोज़ बनाई हैं. सो अगर आपको और भी जानना है तो आप मेरे चैनल को देख सकते हैं, उनको रेफर कर सकते हैं. बट दीज आर ऑल फॉर माई न्यू सब्सक्राइबर्स एंड जिसको भी न्यू स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है फॉर द नेक्स्ट साइकिल. सो आई रियली होप दैट दिस वाज हेल्पफुल एंड जिस भी चीज़ में आप नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं प्लीज़ डू लेट मी नो, मैं उस पर बनाऊंगी. एंड ओके दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, आई विल सी यू माय नेक्स्ट वन. सो बाय बाय, टेक केयर एंड अगली वीडियो में मिलते हैं.